वेलकम व्यूब चैनल फैशन डिजाइन विद न्यू टू माय चैनल एंड प्रसाइकन ताकि जब भी ऐसे फैशन रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे टू वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट के लिए ऐसे कौन से मूवीज़ है जो आप लोगों को देखना चाहिए यू मस्ट वॉच दिस मूवीज़ सो इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वैसे तो हम सभी को मूवीज़ देखना मूवीज़ के सॉन्ग्स वगैरह देखना बहुत पसंद है तो आपके जो पढ़ाई या पढ़ाई को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए इस वीडियो में मैं कोई मूवी को एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फैशन डिजाइनिंग में आपके लिए कौन से ऐसे मूवीज़ है जिस मूवी से आप सीख सकते हो डिज़ाइनिंग फील्ड में कि कुछ नया कुछ क्रिएटिव चीज़ें भी आप सीख सकते हो इस सारे मूवीज़ में तो यहाँ पर मैं टॉप फाइव हिंदी मूवीज़ के बारे में बात करूँगा जहाँ पर मैंने यूट्यूब पर और दूसरे सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इस टॉपिक के ऊपर अभी तक कोई वीडियो और कोई अपडेट नहीं है तो इसीलिए मैं प्रॉपर बहुत रिसर्च करके लगभग मेरे पास ट्वेल्व से थर्टीन मूवी मैंने कलेक्ट किया और उसमें से मैंने सारे मूवीज़ को वॉच किया और मूवीज़ के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि इस मूवीज़ का पीछे का कहानी क्या है तो उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं अब इस मूवीज के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए तो इसीलिए आज के वीडियो में आप लोगों को इस मूवीज का नाम बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस मूवीज़ के बारे में बात करूंगा यहाँ पर तो टॉप फाइव मूवीज होगा तो उसमें से नंबर फाइव पे जो मूवी है वह डियर जिंदगी डियर जिंदगी में आप लोग आलिया भट्ट और शाहरुख खान को देखे थे डियर जिंदगी में आलिया भट्ट का लुक बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल था एक रिलैक्स एक कूल और एक स्ट्रीट लुक बहुत ज़्यादा था तो इस मूवी से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो एंड इस मूवी के ऊपर काफ़ी सारे मैंने आर्टिकल पढ़े जिसमें इस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से फैशनेबल तरीके से आलिया भट्ट को प्रजेंट किया गया है एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एक बहुत फ्री लड़की जो अपने मुकाम तक पहुंचना चाहती है दुनिया दुनिया के जितने सारे बात है उससे परेशान को छोड़ के खुद की तरफ से जी रहा है मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो मूवीज होता है मूवीज में जो कैरेक्टर होता है कैरेक्टर के साथ कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जुड़ा होता है क्योंकि कैरेक्टर के जो फीलिंग है कैरेक्टर जो है ना उसको कॉस्ट्यूम लोगों के सामने लाता है आप किस कैरेक्टर के हो आपका कॉस्ट्यूम देखकर ही देखकर ही फर्स्ट जो इंप्रेशन होता है लोगों को पता चल जाएगा तो डियर जिंदगी में ऐसे सही कुछ हुआ था और जिंदगी में जो स्टाइलिश था वह अनिता शर्फ दसानिया आप लोग जानते हो बॉलीवुड के काफ़ी फेमस स्टाइलिश है जिन्होंने ऋतिक रोशन को धूम टू में उन्होंने स्टाइलिंग किया था ऋतिक रोशन को तो नंबर टू पर जो मूवी आता है वो है दिल धरकाने दो दिल धरकाने दो एक बहुत ही फेमस मूवी है बॉलीवुड की जहाँ पर अनुष्का शर्मा एंड प्रियंका चोपड़ा बहुत लीडिंग लेडीज इस मूवी में था इस मूवी में प्रियंका चोपड़ा अनुष्का शर्मा बहुत आर वेरी इंडिपेंडेंट वमेन था एक बिजनेस वूमैन था प्रियंका चोपड़ा बेसिकली अनुष्का शर्मा बहुत एक फ्रीली टाइप एक वुमेन था जो अपने ज़िंदगी को फुल जीना चाहता है अपने तरफ से तो मैं कोई मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता क्योंकि आप लोग फोकस करो मूवी के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के ऊपर तो इस मूवी में कॉस्ट्यूम जो स्टाइलिश थे वो स्टाइलिश का नाम था अर्जुन वसीन अर्जुन वसीन ने इस मूवी का जो कॉस्ट्यूम है वो स्टाइल किया था और दोनों का प्रियंका एंड अनुष्का बहुत का स्टाइलिंग बहुत ही अलग था प्रियंका जैसे कि इस मूवी में एक बिजनेस था तो उसका स्टाइल वैसे था बहुत एक इंडिपेंडेंट और एक फ्रीडम टाइप अनुष्का शर्मा भी आ, एक कुछ हटके टाइप स्टाइल था तो आप ज़रूर इस मूवी 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 को 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 वॉच करना दिन उसके बाद नंबर नंबर पर पर आता है, जिस को, आ, नंबर थ्री पर आता है है जिस जिस सॉरी मैंने आज ही वॉच किया और बहुत ही अच्छा मूवी है द कैलेंडर गर्ल्स जो कैलेंडर गर्ल्स जो मूवी है इस मूवी में सबसे पहले तो पांच लड़कियों की जिंदगी के ऊपर इस मूवी आधारित है जहाँ पर पांचों लड़कियों का जो बिफोर उनका फेमस होने से पहले उनका जो लाइफ है हर लड़की का खुद का अलग लाइफ था अलग अलग कैरेक्टर था वो फरमाया गया इस मूवी के ऊपर एंड आफ़्टर उन लोगों का किस तरह से वो कैलेंडर गर्ल बनी एंड आगे की जो बात है वो सब कुछ इस मूवी में है तो जितने सारी मूवीज़ है आप कभी बोर नहीं होगा मूवीज़ देख कर तो सभी मूवीज़ में कैलेंडर गर्ल्स में कॉस्ट्यूम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है जो कैरेक्टर है हर एक कैरेक्टर के बेसिक पे उनका कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग किया गया है तो नंबर टू पर जो मूवी आता है वो बहुत ही मेरा फे, एक फेवरेट मूवी है और आप सभी ने आई होप आप सभी ने इस मूवी को देखा है वो है देवदास मूवी देवदास मूवी संजय नीला वलशाली के स्टारम पर बना हुआ एक मूवी बहुत ही फेमस मूवी है ऐश्वर्या राय शाहरुख खान एंड माधुरी दीक्षित इस मूवी में था और इस मूवी में फर्स्ट ऐसे इंडियन मूवी मैंने देखा है जिस मूवी में बहुत ही ट्रेडिशनली हमारे कल्चर को शो अप किया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो बैकग्राउंड है आप सिर्फ कॉस्ट्यूम को नहीं मूवी का जो सेटअप है आप उस पर भी फोकस करो वो बहुत ही ज्यादा रॉयल लुक लाता है तो अब ऑब्वियसली इस मूवी को वॉच करना अगर वॉच कर चुके हो तो इस मूवी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करना कि इस मूवी का कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन है मैं आप लोगों को बता देता हूँ देवदास मूवी में जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है ीता लुला अबू जानी संदीप खोसला एंड नॉट द लेस्ट इस मूवी को आप सभी जानते हो द फैशन मूवी फैशन मूवी बॉलीवुड के बहुत ही एंड फेमस मूवी मूवी है जिस में कंगना और प्रियंका चोपड़ा भी इस मूवी में नजर आई थी इस मूवी में जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग है आप सभी जानते हो कि बेसिकली इस मूवी मेघना माथुर नाम की एक लड़की के ऊपर आधारित था जो एक स्मॉल टाउन लड़की था और वो एक शहर जाके उनका सपना जो होता है ड्रीम होता है कि सुपर मॉडल बनने का उसके ऊपर इस मूवी आधारित है बट इस मूवी का हर एक जो स्टेप है जो फैशन मूवी प्रियंका चोपड़ा जो सक्सेस से पहले चोपड़ा जो जो मतलब, में में तो को दिया गया था बट आफ्टर मॉडलिंग जो सुपर मॉडल बनी प्रियंका चोपड़ा बहुत ही सक्सेसफुल लाइट कपड़ा प्रियंका चोपड़ा के ऊपर यूज किया गया एंड जब सक्सेस से वो नीचे गिरी तब प्रियंका चोपड़ा को बहुत ही डार्क दिखाया गया उसके कपड़े को बहुत ही डल दिखाया गया वैसे ही कंगना रनौत एक सुपर मॉडल थी इस मूवी में और कंगना रनौत का जो कैरेक्टर था वो सोनाली था अगर आप आई होप आप सभी ने इस मूवी को देखा अगर नहीं देखा है तो मस्ट वॉच बहुत ही अच्छा मूवी है आप लोगों को सिर्फ फैशन के बारे में इन इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और इस मूवी में आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में किस तरह से काम होता है किस तरह से नेटवर्किंग uh, होता है डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में मूवी का स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छा है मुझे पर्सनली मैंने बहुत बार देखा है इस मूवी को तो यह पर पाँचों मूवी का मैंने नाम बता दिया तो आप लोग क्या देख रहे हो इस वीडियो देखने के बाद शुरू हो जाए एक मूवी लेके बैठ जाओ आप लोग बहुत जब आ, फ्री होते हो कोई काम नहीं करते तो आप थोड़ा थोड़ा करके आपको नॉलेज को अपडेट कर सकते हो देखो सिर्फ मूवी देखना नहीं मूवी देखते हो मूवी देखने के टाइम तो ऐसे कोई कांस्टेंट आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते दूसरे चीज़ के ऊपर है ना तो मूवी देखने के बाद इस मूवी के बारे में जानो कौन ने इस मूवी का कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग किया इस मूवी का पीछे का आ, क्या क्या किस तरह से मूवी का कॉस्ट्यूम डिजाइन इंस्पिरेशन कहाँ से आया तो आप गूगल से सर्च करो आप दूसरे सोशल मीडिया से हेल्प लो आर्टिकल्स पढ़ो खुद से ट्राई करो आप जितना ट्राई करोगे खुद से जितना जानोगे आप उतना ज़्यादा पैशनेट होगे इंडस्ट्री के बारे में उतना जानोगे तो फैशन मूवी के जो स्टाइलिश था वो था रीता धोरदी और नरेंद्र कुमार हम था इस मूवी का स्टाइलिश तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही तो फिर मिलते हैं अगली कोई फैशन रिलेटेड वीडियो में और अगर आपको कुछ जानना है और भी इस वीडियो के रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो एंड इफ यू टॉक टू मी डायरेक्टली देन मैसेज में कमाइडिया फिर मिलते हैं अगले फैशन फैशिनेटेड वीडियो में तब तक के लिए स्टे अप स्टेसअप एंड किफ स्माइलिंग